मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्युत अपघटने विधि से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। और ये मेथड मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत अपघटने विधि से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। हेडलाइंस, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मित्रों, हमने जो धातु अधातु चैप्टर पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी के बारे में हमने बताया है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ धातुएं सक्रियता श्रेणी में काफ़ी ऊपर स्थित होती हैं, तो उन्हें आसानी से आप निष्कर्षित नहीं कर सकते। तो जिन्हें आप आसानी से निष्कर्षित नहीं कर सकते, उन धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए आप विद्युत अपघटने विधि का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती हैं, वो आसानी से अपचयित नहीं हो पाते, इसलिए इन धातुओं को विद्युत अपघटने विधि से निष्कर्षित किया जाता है। बात समझ में आई? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, दरअसल इस विधि में किया क्या जाता है, आप जरा समझिए। हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझना है, ये बाद में ये सब पढ़ना। इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में, हमने क्या कहा मित्रों, इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में, अशुद्ध धातु की, ये देखिए एनोड भाग ये है, राइट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये दोनों एनोड के रूप में। इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में, शुद्ध धातु की पतली पतली क्षण, ये देखिए शुद्ध धातु की पतली पतली क्षण कैथोड के रूप में, विद्युत अपघट के विलयन में लटका कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी इन्हें बैटरी से जोड़ के हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। उसके बाद मित्रों होता क्या है जानते हैं, ये बताइए, ये जो हमने अशुद्ध धातु के मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में लटकाया था, इसमें शुद्ध धातुएं भी तो होंगी मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, इसमें शुद्ध धातुएं भी तो होंगी, तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध धातुओं को निकाल के बाहर करते हैं। वो ऑटोमेटिकली जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो जो अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में लटकी होती हैं, इसमें उपस्थित होती हैं, इनमें जो शुद्ध धातु होती है निकल कर विलयन में आएंगे, और विलयन में आएंगे तो आयन फॉर्म में रहेंगे मित्रों, ध्यान देना। जैसे CU की क्षण है तो CU डबल प्लस के रूप में होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये जाके कैथोड की क्षण पर जमा होता जाएगा। भाई कैथोड ऋणावेशित भाग है और ये धातुएं धनावेशित होती हैं, तो धीरे धीरे ये जाके कैथोड की क्षण पर क्या होते हैं, जमा होते जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो विद्युत अपघटने विधि है, इसमें वैज्ञानिकों का यह कहना है, साइंटिफिक रीजन यह है, 99% 99% शुद्ध 99% ध्यान दीजिएगा 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त होती है मित्रों इस विधि में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये देखिए यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया, एनोड की अशुद्ध धातु की क्षण हम लोग लटकाते हैं, ये देखिए शुद्ध धातु की पतली क्षण कैथोड के रूप में लटकाते हैं, राइट। यही यहाँ पर भी लिखा गया है, जिस धातु को पृथक करना होता है उस धातु के लवण विलयन को एनोड और कैथोड के रूप में उपस्थित में विद्युत अपघट के विलयन लटकाते हैं, जिसमें कैथोड पर धातुएं एवं एनोड पर अधातुएं प्राप्त होती हैं। भाई कैथोड पर धातुएं, एनोड पर अधातुएं प्राप्त होती हैं, या एनोड या पंख जो होती है नीचे पात की तलिम बैठ जाते हैं, राइट। तो इस विधि से मित्रों हम लोग सीख पाएँ विद्युत अपघटने विधि के बारे में। अगर मित्रों क्लास 10 साइंस की अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।